हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और ये जो है नवंबर 2017 का सेकंड पेपर है, और इससे पहले के सारे पेपर जो हैं वो अपलोड हैं, आप उसको देख लें, विजिट कर लें, आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन फ्रांसिस बर्नेज नॉवल एवेलिना द एपोनिमस हीरोइन कम्स आउट इन द सोसाइटी इन टू लोकेशंस, दे आर ब्रिस्टॉल एंड बैथ। सो यस, क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन बाई शेक्सपियर इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल डेलोवे में जो रिपीट करती हैं वो लाइन वो है, फेयर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेज। देन क्वेश्चन नंबर थ्री इज आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट थिएटर ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड। तो इसमें स्वान थिएटर है जो कि 1595 में आया, एंड ग्लोब थिएटर है जो 1599 में आया। देन क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच ऑफ द पोएम मैथ्यू आर्नल्ड्स एक्सप्रेस द डिलेमा ऑफ वंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड एंड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, स्टैंजा फ्रॉम द ग्रैंड चैरिटियस। तो ये जो है एक फिलोसॉफिकल पोएम है 35 स्टैंजा की, और द पोएम इज़ डीपली पर्सनल डिस्क्राइबिंग मैथ्यू आर्नल्ड्स ओन स्ट्रगल टू फाइंड अ फेथ दैट वुड गिव हिज लाइफ मीनिंग। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, हु मेड द कॉमेंट दैट ऑल मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर कम्स फ्रॉम वन बुक बाय मार्क ट्वेन कॉल्ड हकलबरी फिन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑल मॉडर्न लिटरेचर कम्स फ्रॉम वन बुक बाय मार्क ट्वेन कॉल्ड हकलबरी फिन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे फेमसली डिक्लेयर्ड इन 1935। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द एम्बलम is a poetic genre containing a symbolic picture with a text and a verse exposition popular in 17th century. Who popularized this kind of poetry through the work Emblems 1635? Iska correct option hai B, Francis Quarles. Then question number 7, why Byron's work begin thus? Which Byron's work begins thus? I want a hero, a uncommon want, when every year and month sends forth a new one. So, iska correct option is Don Juan. Then question number 8, the title of Sir Thomas Browne's famous treatise Religio Medici means. So, iska correct option hai A, Religion of Doctor. Religio Medici by Sir Thomas Browne is a spiritual testament and early psychological self-portrait fiction portrait published in 1643. Question number 9, which among the following is the recent novel is a retelling of the Sophocles Antigone. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कैमिला सेमसी शेमसी होम फायर। इन क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द टू इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ पॉल डी मैन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट 1983 एंड एलेगरीज ऑफ रीडिंग 1979। Then question number 11, Samuel Johnson's denounced the metaphysical poet saying, about the beginning of the 17th century appeared a race of writer that may be termed the metaphysical poets, in the biography of which of the following poet in his Lives of the Poet did Johnson make this remark? So, iska correct option is C, Abraham Cowley. Then question number 12, the term of the contract are not disagreeable to me. The above sentence contain an example of litios. Litotis. Then question number 13, who is the author of the following line, to see a world in a grain of sand and heaven in the wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. So iska correct option hai B, William Blake. So is ye jo hai ye Anguries of Innocence se liya gaya hai. Question number 14, in Women in Love, what the Winfred's Pekinese dog called? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लुलू। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू क्रिटिक पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ हेरेसी ऑफ पैराफेज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, क्लिंथ ब्रूक। देन क्वेश्चन नंबर 16, एडमंड स्पेंसर कॉलिंग क्लाउड्स कम होम अगैन इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल इकोलॉग। देन क्वेश्चन नंबर 17, इन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी हुम डज जॉन ड्राइडन रिफर टू एज द मोस्ट लर्नड एंड जुडिशियस राइटर विद एन थिएटर एवर हे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 18, दिस ऑस्ट्रेलियन पोइट वॉज रेज्ड इन नॉर्थ न्यू साउथ वेल्स एंड ग्रू अप इन अ रूरल ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप। इन 1946 she published first book of poem. In 1962
62 she become co-founder and president of Wildlife Preservation Society of Queensland and served as its president several times thereafter. Identify the poet. So, iska correct option is C, that is Judith Wright. Then question number 19, Afraz Ben Urnook Urnuko is set in. So, iska correct option is Suriname. Then iska jo subtitle hai wo hai The Royal Slave. Then question number 20, who published the first collection of edition G.M. Hopkins poem in 1918? So, iska correct option hai A, Robert Bridge. 21, Samuel Richardson named his heroine Pamela after one of the character is, to iska correct option is C, Philip Sidney Arcadia. Question number 22, Pinters once admitted that he first became aware of the dramatic power of the pause from seeing a popular American comedian, which one? Iska correct option is C, Jack Benny. Then 23, Charles Dickens' Bleak House is pointedly critical of England's Court of Chancery. Then 24, which of the following is not true of the idol the state in Thomas More's Utopia? So iska C, there is only one religion guided by the principle of benevolent supreme beings. So ye jo hai ye sahi nahi hai. To sahi kya kya hai inke, inhone kya kya assume kiya tha idol state mein? Moore ne apne Utopia mein personal property hogi, money hoga, voices are effectively abolished, then the root cause of crime, ambition and political conflict are eliminated, its priesthood which includes some women is limited in number. To ye sari unki jo hai imagination thi for the true and good society. Question number 25, which character created by Coleridge make the following account for her hovering experience? Five warriors seized me yestermorn, me even me made forlorn. They choked my cries with force and fright and tied me on play fray white. So, this correct option is A. इसका करेक्ट इसमें तो ऑप्शन ए है लेकिन इसमें जो दिया हुआ है वो बी है तो क्रिस्टेबल हम मानेंगे इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन टू पार्ट्स फर्स्ट पार्ट इज रिप्यूटेडली रिटन इन 1797 एंड सेकंड इज 1800 इट वाज पब्लिश्ड इन अ पैम्पलेट इन 1816 अलॉन्ग साइड विद कुबला खान तो ये जो लाइन है ये क्रिस्टेबल की लाइन है बट इसमें ए दिया हुआ है मिस प्रिंट है शायद 26 Which novel of Thomas Hardy began with the somber description of Egdon's Heath? So, iska correct option hai B, The Return of the Native. Ye sixth novel hai, published novel hai Hardy ki. Then question number 27, the metrical form of Gower's Confessio Amantis is? So, iska correct option hai C, Confessio Amantis means the lover's confession and in 33,000 Middle English poem. और ये जो है ये ऑक्टासिलेबिक कपलेट में है देन क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट हैपेंड टू द लॉक्स लॉक ऑफ हेयर एट द एंड ऑफ द अलेक्जेंडर्स पोप द रेप ऑफ द लॉक तो ये होता है कि वो इट टर्न इनटू द स्टार ठीक है वो जो उसके लॉक्स होते हैं बेलिंडा के वो स्टार में बदल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 द बार्ड द आयरन लेडी द किंग द अबव एग्जांपल्स ऑफ तो इसका है एंटोनोमेशिया सो ये जो है एक प्रॉपर नेम है एक्सप्रेस अ जनरल आइडिया द बार्ड ऑफ एवन फॉर विलियम शेक्सपियर सो एंटोनोमेशिया नाम है इस डिवाइस का देन क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल बाय मार्गरेट एटवुड डिपिक्ट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द नोटोरियस मर्डर कमिटेड इन 1843 तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एलिस ग्रेस देन क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय विलियम बी येट्स repudiates a sensual world in favor of the artifice of eternity तो इसका correct option है C sailing to Byzantium then ये 1928 में आई थी एक metaphorical journey है of man pursuing his own vision of eternal life as well as his conception of paradise then question number 32 which of the following character in Moby Dick fall overboard and turn insane as a result तो इसका correct option है A Pip Moby Dick or The Whale is a novel by American writer Herman Melville published in 1851 and ye jo hai ek
Faulkner confessed he wished he had written it himself, and Lawrence called it one of the strangest and most wonderful book in the world and the greatest book of the sea ever written. तो ये सारी जो है स्टेटमेंट है जो कि मॉबी डिक के ऊपर दिया हुआ है, ये सारा मैंने मेंशन किया है. क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय CMS हियानी इज डेडिकेटेड टू आयरिश पोइट पॉल मुल्डून. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, विडगियन. देन क्वेश्चन नंबर 34, इन विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज पुट टू डेथ. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, साइमन. सो क्वेश्चन नंबर 35, इन कंटेंपरेरी टेल हु हैज अ रेड फेस फुल ऑफ सोर्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, समना. देन क्वेश्चन नंबर 36, द पेस ऑफ स्पीच इज कॉल्ड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, टेम्पो. क्वेश्चन नंबर 37, इज द मैच द फॉलोइंग. तो देख लेते हैं, सेक्सुअल पॉलिटिक्स द केट मिलेट, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन एलिन शो वॉल्टर, थिंकिंग अबाउट वुमेन मैरी एलमन, द लाफ ऑफ द मेड्यूसा हेलेन सिज़ॉक्स. देन क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट डज टेनिसन पोयम द लार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड डिस्क्राइब. द लार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड डिस्क्राइब. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज क्रीमियन वॉर. द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, The charge of the light brigade by Tennyson was a charge of a British light cavalry led by the Lord Cardigan against the Russian force during the Battle of Balaclava on 25th October 1854 in a Crimean War. Then question number 39, Northrop Frye in influential work Anatomy of Criticism include the subtitle indicates four essay. Which of the following is the not among the among them? तो इसका correct option है B, that is typological criticism, theory of type. तो ये नहीं है, इसकी जगह है Anatomy of Criticism. ठीक है, तो पहला है archetypal criticism, the theory of myth. Then Anatomy of Criticism, that is जो कि दिया हुआ है फोर एसेज, और हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म थियोरी ऑफ मोड्स, एंड एथिकल क्रिटिसिज्म थियोरी ऑफ सिम्बल्स. देन क्वेश्चन नंबर 40, द रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड्रिया डेल सेट्रो, एंड्रिया डेल सेट्रो विद विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर डज नॉट एंड्रिया डज एंड्रिया नॉट कंपेयर हिमसेल्फ विद. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, रेमब्रांडिट. सो ये जो है एक पोयम है by Browning, Andrea del Sarto is called a faultless painter. ये इसमें जो है ये अपने आप को compare करती है Italian painter. It is a dramatic monologue, a form of poetry for which he is famous, about the Italian painter Andrea del Sarto. The poem is in blank verse and mainly uses the iambic pentameter. The poem was inspired by Andrea di Agnolo, Renaissance artist. Then question number 44. इसमें जो पहले हमने ये भी question आया था, पहले ये question आया हुआ है, तो उसमें शायद Ralph दिया था. मैं इसको check करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ. Question number 41. Jonathan Swift, Gulliver's Travel. Gulliver's referred to the William Dampier, the famous writer of Two Voyages. कौन कौन से C, that is cousin and cousin. तो ये कज़न को अपने रेफर करता है. देन क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टर इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. तो मिस बेट्स. देन क्वेश्चन नंबर 43, ऑल द वर्ल्ड ऑफ अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेयरली अ प्लेयर अकर इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट. तो ये इसमें क्या है, जैक्स. सो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज इज द फ्रेज दैट बिगिंस अ मोनोलॉग from As You Like It is spoken by the melancholy Jakes in Act 2, Scene 4, Scene 7. Then question number 44, which of the following river are mentioned in Andrew's marvel poem to his coy mistress? So Thames and Ganga. So Ganga and Humber, sorry. Ganga and Humber, not Thames. So C, ये पॉस्थ्यूमसली इनकी पब्लिश हुई थी. देन क्वेश्चन नंबर 45, द ट्रूथ द होल ट्रूथ एंड द नथिंग बट द ट्रूथ द एबव इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लॉसी. So it is a rhetorical term for repetition of a word or a name often in a different sense after the intervention of one or more other word, a wife who was a wife indeed.
ठीक है. सो ये है. देन क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस इज नॉट पार्ट ऑफ डब्ल्यू एच ऑर्डन्स पोएम इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, मेमोरी स्कैटरिंग लाइक अ बीड्स. 47, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ स्टेप्स टू द टेम्पल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रिचर्ड कॉर्शॉ. देन 48 जो है वो मैच है, देख लेते हैं. जिम डिक्सन डिक्सॉन, लकी जिम बाई किंग्सले एम इज पब्लिश्ड इन 1954. जिमी पॉटर लुक बैक इन एंगर बाई ऑसबॉर्न 56. जो लैम्पटॉन रूम एट द टॉप बाई जॉन ब्रेन 1957. चार्ल्स लमले हरी On Down by John Wayne 1953. Question number 49. In the opening book of the prelude, Wordsworth mentioned famously what he was fostered alike by dash and dash. So, iska correct option hai B, that is beauty and fear. ठीक है, फॉस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड फियर. क्वेश्चन नंबर 50, इन द टाइटल ऑफ नगुगी वा थियोंग गो पेटल ऑफ ब्लड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पोएम ड्रैक वॉलकॉट. आइडेंटिफाई द पोएम. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, स्वाम्प, द स्वाम्प. ओके, तो ये जो है ओवरऑल 50 क्वेश्चन है 2017 का पेपर 2. और आने वाले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो. स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.